रोड पर समाज सोच का अभाव। नमस्कार दोस्तों, मैं और मेरा शहर अभियान के अंतर्गत आज हम खड़े हुए हैं भड़कल मोड़ से बाईपास की तरफ जाने वाले सड़क रोड पर। यहाँ पर अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी और उसमें हमने आपको इस सड़क निर्माण की देरी में होने वाली जो अनियमितता है, जो कारण है, उनके ऊपर प्रकाश डाला था। आज इस वीडियो को डालने के बाद यहाँ पर काम शुरू हो चुका है, जो कि आप देख पा रहे हैं सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन समस्या ये है कि सुचारू रूप से तो चल गया, लेकिन आगे क्या इसी गति से चल पाएगा, मुझे यहाँ पर संदेह है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, स्मार्ट रोड पर स्मार्ट सोच का अभाव, उसके कुछ कारण हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ अनियमितता है जिन पर हम आपको दृष्टिगोचर करेंगे कि कौन कौन सी अनियमितता है जो इस रोड को बनने में उसको देरी की तरफ लेके जाएंगे। देखिए, अनियमितता नंबर एक, सड़क और नीचे जो खुदी हुई है उसके बीच में लगभग 6 से 8 इंच का अंतर है। इसमें प्रशासन ने किसी प्रकार के डिवाइडर का और सेफ्टी इंतजाम नहीं किया है। इसकी बदौलत क्या होगा, कोई भी बाइक वाला कभी भी गिर सकता है और गिरने के बाद वो सीधा चला जाएगा और फिर वही एक दुर्घटना, एक खबर और एक मुआवजा पर सरकार आ जाएगी। अब इसमें दूसरी अनियमितता नंबर दो, जो कि आप देख पा रहे हैं सामने बिजली के जो खंभे हैं, बड़ा लाइन भी है, छोटी लाइन भी है, उनको अभी तक हटाया नहीं गया है। अब जहाँ पर शहर के अंदर जब साइकिल ट्रैक बनती है तो उन पेड़ों को काट दिया जाता है जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनसे हम बचकर भी निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बिजली के खंभे हैं जिनका हटना बहुत ज़रूरी है, उनको अभी तक नहीं हटाया गया है। यहाँ पर सीधे तौर से बिजली विभाग और सड़क विभाग जो है उसमें जो सामंजस्य है वो दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि जब सरकार के दो विभागों के बीच में तालमेल नहीं है तो काम किस गति से होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें 3 विभाग पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, वन विभाग पेड़ों के लिए, बिजली विभाग बिजली के खंभों के लिए और सड़क विभाग। अब वन विभाग ने अपना काम सबसे पहले कर दिया, क्योंकि हर काम लालच के पीछे होता है, आप समझ रहे हैं। वन विभाग को कुछ लालच होगा, उसने पेड़ तुरंत काट दिए, लेकिन बिजली विभाग को कोई लालच दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए काम जो है वो देरी से हो रहा है। तो जब तक इन अनियमितताओं को पहले दूर नहीं किया जाएगा, किसी भी सड़क के निर्माण को हम गति नहीं दे सकते। ये हमारी अनियमितता नंबर दो है। ऐसी एक अनियमितता नंबर 3 जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो थोड़ा आगे चलकर है,